स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कोटली शाह दुल्ला में लोगों ने लगातार चौथे दिन भी बिजली विभाग एवं सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल जारी रखी। इस मौके पर आम लोगों के अलावा पीडीपी, आम आदमी पार्टी तथा समाज के सामाजिक संगठनों से आए लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन किया। उनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। इस मौके पर हम आदमी पार्टी से डॉक्टर प्रतिबंध एडवोकेट निशा कुमारी के अलावा दूसरे लोगों ने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब लोगों को तंग कर रही है, जिसके चलते उन्होंने भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। चौथा दिन है, एक ऐसा मंच है जहाँ हर कोई वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, कोई समाज सेवक है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई भी है, यहाँ मोस्ट वेलकम है उनका। यहाँ बात करें स्मार्ट मीटर्स की, जो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में लागू होना शुरू हुए हैं, तो बात करते हैं अगर बॉर्डर क्षेत्र की, यहाँ इन्होंने लोगों की, किसानों की जो ज़मीनें थी वो ऑलरेडी तारबंदी के अंदर आ चुकी, उन्हें पता नहीं कितने वर्षों से मुआवजा नहीं मिला। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयड यूथ है, एम्प्लॉयमेंट रही नहीं। तीसरा, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लेबर क्लास के लिए दो वक्त की रोटी को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो गया है। बॉर्डर क्षेत्र के लोग कोई बड़े बड़े व्यापारी नहीं है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे किसान हैं, मजदूर तबका है, लेबर क्लास है और दिहाड़ीदार लोग हैं जो अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। सरकारी स्कूल यहाँ खस्ता हालत में, तो वो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भी नहीं भेज सकते। मतलब हर तरह से आप इन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हो, हर तरह से इन्हें लूटा जा रहा है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम जैसे लोग जो अच्छे घरों में रहते हैं, इसी कंफर्ट में रहते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पे करेंगे। पर कहने की बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक रिसोर्सफुल स्टेट रही है और बिजली के उत्पाद करके सेंटर को बेचते हैं और फिर वहाँ से महंगे दामों में वापस जम्मू कश्मीर के लिए खरीदते हैं। तो होना ये चाहिए, पॉलिसी में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसको अमेंडमेंट की जानी चाहिए। और एक कोटा, जितने भी परसेंट आपने सेट करना है, 10%, 20%, 30% को रिजर्व किया जाए ऐसी पब्लिक के लिए जो इसकी हकदार है जम्मू कश्मीर की। उसके अलावा स्मार्ट मीटर्स जितने भी अभी लगे हैं उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही हैं। एक मैंने कल एक प्रूफ देखा कि एक दिहाड़ीदार मजदूर का घर दो कमरों का मकान है, कच्चे कमरे हैं, और वहाँ बिल आ रहा है 2500, 3000 रुपये। और एक बीजेपी बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, उनका जो स्मार्ट मीटर है वो पिछले 20 दिनों से एक ही रीडिंग पर रुक गया हुआ है। ये प्रूफ है, ये ऑथेंटिक प्रूफ की बात कर रही हूँ। तो इस अनफेयर प्रैक्टिस को बंद करिए, पहले तो आप स्मार्ट मीटर्स को बंद कर रही हैं और ला रहे हैं, तो इतनी अनफेयर प्रैक्टिसेस क्यों हो रही हैं? आप बीजेपी के वर्कर्स या बीजेपी के सपोर्टर्स हैं जो, उनके आप मीटर्स बंद कर देते हैं और पिछले 20 दिनों से वो एक ही रीडिंग पे रुके हुए हैं और बाकियों के मीटर्स चलते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही विडंबना की बात है। इस सरकार को हमने 25 MLAs और 2 MPs दिए और ये सरकार उन्हीं लोगों के खिलाफ आज ही अपनी प्रैक्टिसेस, अपना सही जो इसका फेस है वो दिखा रही है। तो आने वाले चुनावों में जनता जो है इनका मुंह तोड़ जवाब देगी, इसे बंद करिए प्लीज। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पीडीपी यूथ से हूँ, जम्मू से, और ये समस्या सिर्फ एक आरएसपुरा की नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की समस्या है कि जो स्मार्ट मीटर्स जो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं लोगों के घरों के अंदर, मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों के कमाई भी उसी लेवल की होनी चाहिए, क्या वो स्मार्ट मीटर के बिल दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? हैंड टू माउथ ये लोग हैं, दिन को दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को खाना खाएंगे अपना। तो आप घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगा दोगे, चाहे किसी का 2000 बिल आएगा, 5000 आएगा, 10000 आएगा, ये गरीब आदमी जो है वो कहाँ से लाएगा? जो BPL कैटेगरी के अंदर आते हैं वो कहाँ से अपना बिल लाएंगे? और सबसे बड़ी बात ये जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचने की होगी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे जम्मू की ज़मीन के ऊपर लगे हुए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की जाती है वो बाहरी राज्यों के अंदर भेजी जाती है, और बाहरी राज्यों के अंदर उसी बिजली को मुफ्त के अंदर 200-300 यूनिट जो है वो फ्री के अंदर कर दिया जाता है, और ख़ास तौर पर वहाँ फ्री कर दिया जाता है जहाँ पर भाजपा की अपनी सरकार हो। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसके इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक से बढ़कर एक काला कानून जो है वो हम लोगों पे नाफिज कर दिया, अब जाके लोगों के ऊपर ये स्मार्ट मीटर भी थोप दिए।
और इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पूरी तरह से प्रोवाइड जो है वो नहीं की जा रही है लोगों को। और हमारी यही अपील रहेगी कि यहाँ पे लोग जो बीपीएल के अंडर आते हैं उन लोगों को ये बिल माफ़ होने चाहिए, बिल्कुल बिल उनके घरों के अंदर नहीं जाना चाहिए। और इस स्मार्ट मीटर की मजम्मत करते हैं और आरएसपुरा के लोगों के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शाना बशाना खड़ी है साथ में। शुक्रिया, जय हिंद। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।